फ्रेंड्स, मैं शालिनी और आज हम गणगौर की पूजा करने के लिए जा रहे हैं। मैं पड़ोस में जा रही हूँ पूजा करने के लिए, रेडी हो चुकी हूँ पूरी तरीके से। तो हम सब लोगों ने रेड कलर की साड़ी पहनी हुई है। ये चलिए आज ब्लॉग देखिएगा मेरा। मैं नेबर्स हाउस आ चुकी हूँ और भी नेबर्स का हम अभी इंतजार कर रहे हैं, और जब तक वो हमारी नेबर्स नहीं आएंगी तब तक हम पूजा को स्टार्ट नहीं करेंगे। यहाँ पर मैंने 16-16 बिंदी काजल, मेहंदी और कुमकुम की लगा दी है। ये जो पूजा होती है ना, अनमेरिड और मेरिड दोनों ही कर सकते हैं, दोनों ही करते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने धूप को इकट्ठा करना शुरू कर दिया है और इसी धूप से ना पूजा होती है, और इसको छांटना भी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। और यहाँ पर हम लोग बहुत हंसी मजाक करते हैं, और आज का दिन तो इतना अच्छा लगता है ना अपनी पड़ोसनों के साथ। और मेरे जो नेबर्स हैं ना बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। यहाँ पर हमने गणगौर माता को भी बहुत अच्छे से सजाया हुआ है, और सारी जो लेडीज़ थी हमारी नेबर्स थी वो आ गई हैं, और हम हमने पूजा करनी स्टार्ट कर दी है। तो यहाँ पर लोकगीत चल रहे हैं राजस्थानी, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। हालाँकि मुझे समझ में नहीं आते, लेकिन फिर भी मुझे सुनने में बहुत अच्छा लगता है। वहाँ पे दो पाटा। और लोकगीत के बीच में ही अब यहाँ पर गणगौर का पाटा धोया जा रहा है। पाटा जो पट्टा होता है जिसके ऊपर ईसर गौर को विराजमान किया जाता है, तो उसे हम लोग है ना पानी से धोते हैं, और गीत यहाँ पर गाए जाते हैं राजस्थानी लोकगीत। और ये जो दूब होती है इसी को गीला कर इसके साथ ही हम लोग पाटा धोते हैं, और उसके बाद इस दूब को हम लोग 16-16 बिंदी के ऊपर चिपकाते हैं। तो जिसकी चिपक जाती है ना वो बहुत भाग्यशाली होता है। तो यहाँ पर कुछ आंटी हमारी जो नेबर्स हैं उन्होंने मेहंदी से चिपकाया है जिससे इनकी ना हटे, और हम लोग यहाँ पर बहुत हंस रहे हैं। 12, 13, 14, 15, 16 ना जाने फ्रेंड्स, एक के बाद एक ना बहुत सारे राजस्थानी गणगौर के गीत गाए जा रहे थे, और वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। आंटियाँ भी कुछ कम नहीं थी, मतलब सारे जोर शोर से यहाँ पे गाने और गीत गाए जा रहे थे। बहुत अच्छा लगता है सच में। सरवर पर नीले राजा ने बोया जोचना, माली ने बोई तू, राजा की जोचना बढ़ता जाए, माली की बढ़ती जाए। अब गीत और पूजा ख़त्म होने के बाद यहाँ पर हमने अपने अपने घरों से लाए हुए गुने गणगौर माता को और भगवान जी को चढ़ा दिए हैं। पूजा समाप्त हो चुकी है और अब अर्घ देने की बारी है, तो हम लास्ट में अर्घ देंगे। गास ने गयो खुर को खो से लियो इसर रूस गयो। सूर्य भगवान को अर्घ देने के बाद अपनों से जितने भी बड़े हैं उन सब से हम यहाँ पर आशीर्वाद लेंगे। गिराए बहु मेरवा के माथे मोड़। हेलो गाइस, बाय बाय, टाटा टाटा।